दोस्तों वीडियो का आखिरी तक बने रहें, क्योंकि भाभा सुरेश जो हमारे मोस्ट सीनियर रेस्क्यूअर, लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाले, बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि इतना ही वो बढ़िया रेस्क्यूअर हैं, अगर कुछ अनहोनी होने से सबसे बड़ा दुख हम लोग जितने भी स्नेक रेस्क्यूअर को होती, तो चूंकि हम लोग सिर्फ छोटा मोटा रेस्क्यू करते हैं, लेकिन बाबा सुरेश इतना ही बड़े वर्ल्ड का टॉप मोस्ट रेस्क्यूअर हैं, उनके सामने हम लोग 00 भी नहीं हैं। वो 19 फीट, 18 फीट, 17 फीट का किंग कोबरा को रेस्क्यू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी चूक, समझिए मौत के करीब ले आया था उन्हें। तो आज जानिए इस वीडियो में कि भाभा सुरेश को कौन सा सांप बाइट किया था। एक ऐसा ही सांप जिससे रूह तक कांप जाती है, जिसका नाम है रसल्स भाइपर। भाभा सुरेश को दवा और दुआ दोनों ही काम कर गया, इसीलिए वो बिल्कुल सेफ हैं। और हम लोगों प्रार्थना किए थे, प्रेयर किए थे, भगवान अल्लाह खुदा भाभा सुरेश को बचा लीजिए, क्योंकि इतना ही बढ़िया रेस्क्यूअर हमें नहीं लग रहा है इंडिया में कहीं होगा। तो साथियों, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। तो आइए, आखिर ये कौन सा सांप है जो इस तरह फुंकार रहा है? आज हम इसे रिलीज करने आए हैं फॉरेस्ट में। जानिए, आप हम जानते हैं कि ये कौन सांप है। यही वो सांप है जिसे हम लोग रसल्स भाइपर के नाम से जानते हैं, हाईली वेनमस स्नेक। देखिए, इसे बिल्कुल छूने का प्रयास ना करें। जितने भी रेस्क्यूअर हैं, खास करके उनसे हाथ जोड़ के अपील है, इसे बिल्कुल ना छुएं। यही है साक्षात जमराज। देखिए, हर सेकंड बाइट कर रहा है, हर सेकंड बाइट कर रहा है। सोचिए, हिंदी में इसे बहरा जोड़ा, इंग्लिश में रसल्स भाइपर, और ख़ास करके बंगला में चंद्रबोड़ा, और साइंटिफिक नेम डोविया रेसलस। ये अगर आपके हाथ करीब जा रहा है, अगर ये काट लिया तो बचना मुश्किल है, ये जानलेवा है। बचने का एक ही जगह, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिसिन, डॉक्टरी सलाह, अन्यथा मारा जाइएगा। यही है रसल्स भाइपर जो बाबा सुरेश को बाइट किया था। अभी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और हॉस्पिटल से घर भी आ गए हैं, और उनका वीडियो भी हमने देखा है, बहुत ही अच्छा है, स्नेक सेवर है, उनके जैसा स्नेक सेवर हमें नहीं लग रहा है। हम लोग तो छोटा मोटा बस काम चला रहे हैं। साथियों, उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती। तो ये बाइट करने का मूड बना लिया है, इसीलिए हम आज इसे रिलीज कर रहे हैं। जाइए जाइए, अपने घर चले जाइए, फॉरेस्ट में चले जाइए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, और हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।